आगे बढ़ेंगे जहां पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई पटियाला की लाजवंती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लाजवंती जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फुलकारी कला को जिंदा रखने के लिए जो है उन्हें अवार्ड मिला है। हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में जो महिलाएं हैं उनको लगातार आत्मनिर्भर वो बनाते हुए नजर आ रही हैं और उनसे हम बात करते हैं। मैम, आज आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, सबसे पहले यही कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मैम तमाम दर्शकों? मैं तो सबको कहती हूँ, लेडीज जो काम करती हुई है, नहीं भी जिनको नहीं भी आता वो सीखे भी सही मेरे से और काम भी लें। कभी किसी के आगे हाथ मत पसारें, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ो। बचपन में मेरी नानी इसी काम से आगे बढ़ी थी, तो जो अपने बच्चों को ही पाला, जो वहाँ से आए थे ना संताली से, तो कुछ नहीं लाए थे, अपने आदमी वहाँ मर गया था नाना मेरा, और मेरी नानी यहाँ अपने बच्चों को इसी फुलकारी को सिखा सिखा के तो बच्चों को आगे बढ़ाया और पढ़ाया लिखाया, सब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इसके साथ में अंतिम प्रश्न ये है कि अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ जो है आपकी तरफ से रहेगा, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट आप करेंगे, क्योंकि एक अहम अवार्ड जो है वो आपको मिला है? नहीं, मैं तो सब औरतों को कहती हूँ, अभी मेरे से जिनको नहीं भी आता सीखो और काम लो, आगे बढ़ो, किसी के आगे हाथ मत पसारो, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ो। किसी से मांगने से कोई देता नहीं है, भीख ही होती है कि सब, अपनी मेहनत करोगे तो तुम लोग आगे बढ़ोगे ना। अब मेरे पास क्या था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अपने उस वक्त 10 रुपए ऐसे काम शुरू किया था, 10 रुपए का एक स्वेटर बना के उसके पैसे जैसे बढ़ते गए तो हम आगे बढ़ते गए। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लाजवंती जी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, आज इन्हें पद्म अवार्ड मिला है और खास बातचीत हमसे करते नजर आ रही थी। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।